स्प्रिंग रोल। चाइनीज फूड में सबसे मनपसंद डिश स्प्रिंग रोल बनाने में लगते हैं सिर्फ 30 मिनट। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए चाहिए आधी गाजर, आधी शिमला मिर्च, आधी पत्ता गोभी, 2 बड़े चम्मच स्प्राउट्स, आधा कप उबले हुए नूडल्स, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 3 से 4 बीन्स, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक स्वाद के हिसाब से, ऑयल, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले पत्ता गोभी को इस तरह बारीक काट लें। शिमला मिर्च, बीन्स और गाजर को भी बारीक काट लें। अब एक पैन में तेल लें। इसमें बारीक कटी हुई बीन्स, अदरक, पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च डालें और मीडियम हीट पर पकाते रहें कुछ 5-7 मिनट तक। अब इसमें डालें सोया सॉस, स्प्राउट्स, काली मिर्च और उबले हुए नूडल्स और 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पर पकाएं। स्प्रिंग रोल्स की कोटिंग बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर, आटा, राइस फ्लावर और स्वाद के हिसाब से नमक डालें और इसमें पानी डालते हुए इसे गूंद लें। अब इस तरह इसकी रोटी बेलें। 1 कप में कॉर्न स्टार्च और पानी मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें। फिर रोटी में इस तरह से फिलिंग डालें और रोल कर दें और कॉर्न स्टार्च का पेस्ट लगाकर इसे चिपका लें। इससे डीप फ्राई करते समय रोल खुलेगा नहीं। एक पैन में तेल गरम करें और स्प्रिंग रोल को डीप फ्राई कर लें। तब तक जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। और तैयार है गरम गरम स्प्रिंग रोल।